गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 5 पॉवर्टी। उसमें लास्ट पार्ट जो है वो अब हमको लेना है, और वो लास्ट पार्ट है मेजर ऑफ रिड्यूस पॉवर्टी, यानी हम किस तरह से जो है हमारे देश में पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, बराबर पॉवर्टी घटाने के लिए हम कौन से स्टेप उठा सकते हैं। तो उसमें हमको सबसे पहला स्टेप पढ़ना है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब वी ऑल आर नो कि हमारा इंडिया जो है वो 70% जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, बराबर, यानी हमारे वहाँ लैंड इतनी अच्छी है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा होता है। पर क्यों हम एग्रीकल्चर ज़्यादा होने के बाद भी पीछे पड़ रहे, तो उस रीज़न को जानना पड़ेगा, और वो रीज़न जानने के बाद जो है हम उसको उसको जानने के बाद जो है वो चीज़ से हम सीख सकते हैं और उस पर ध्यान दे सकते हैं कि हम क्या स्टेप उठाए उसमें कि हमारी पॉवर्टी जो है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए कि भाई जितने भी फार्मर्स हैं सबको पब्लिक प्रोग्राम देना चाहिए, यानी उनको पब्लिकली हमको बताना पड़ता है कि आप ये चीज़ अपनी एग्रीकल्चर में डालो तो आपका जो खेती है वो ज़्यादा अच्छी होगी। फिर हमको उनको लेटेस्ट अपग्रेड टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, बराबर। अब हमारा किसान जो है वो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, इसलिए उसे इस चीज़ के बारे में पता नहीं रहती। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी गवर्नमेंट की कि वो जो है समय समय पर ऐसे प्रोग्राम रखे जिसमें जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता पड़े। फिर दूसरा, उन्हें अपने बोई हुई फसल का फिक्स रेट भी पता पड़े कि मार्केट में वो चीज़ का क्या रेट है और क्या चीज़ बोने से जो है उन्हें अच्छी पैदावार हो सकती है और अच्छा जो है पैसा मिल सकता है। और उन्हें हमें क्या दूसरी चीज़ क्या देनी चाहिए कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, बराबर। एक तो हमको उन्हें अच्छे से देखो बीज देने चाहिए, फिर फसल कैसे अच्छी होगी वो बताना चाहिए, फिर हमें उनके लिए इरीगेशन कैनाल की सुविधाएँ सब अच्छी रखनी चाहिए, और उनका जो है उनकी फसल जो है उसका मैक्सिमम रेट हमको मार्केट में रखना चाहिए ना, और उनको मार्केट के साथ जो है जितना बने उतना ज़्यादा हमको मार्केट के साथ उनको मिक्स करना है। क्योंकि देखो फार्मर मार्केट में जाएगा तो ही उसको पता पड़ेगी कि कौन सी चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ से जो है उसको फ़ायदा होगा, बराबर। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल दें कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना। तो दिस विल बी मोर एडवांटेजस टू पुअर एंड पुअर्टी कैन बी रिड्यूस। तो एक फर्स्ट स्टेप हम ये उठा ले तो इससे भी जो है हमारी पॉवर्टी जो है वो कम हो सकती है। दूसरा पॉइंट बनता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो हमारे आफ्टर हमारे फ्रीडम जो है हमारे गवर्नमेंट ने सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पर ही जोर दिया था, बराबर। पर हमारे भारत में जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी इतनी ही ज़्यादा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी इतनी ज़्यादा है, तो बराबर उस पर यदि हमारी गवर्नमेंट बराबर ध्यान दे और उसका अच्छे से डेवलपमेंट करे तो ये एक चीज़ है, ये भी जो है वो हमारी पॉवर्टी कम करने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। क्यों फ़ायदेमंद रहेगी भाई? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो कम पैसों पे चालू होती है, बराबर। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो एक तरह से हमारे भारतीय यानी जो ऑलरेडी जिनके पास इतना पैसा नहीं है उनके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है कि कम लागत में आप कोई भी धंधा शुरू करो तो बराबर आपको उसमें से जो है पैसा मिलेगा, यानी आप अपना और अपने साथ जुड़े हुए सारे लोगों का भरण पोषण कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप थोड़े दो चार एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हो, तो बराबर। तो इस तरह से जो है दूसरे लोगों को भी जो है इस इंडस्ट्रीज़ में काम मिलता है। तो इफ़ द स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कैन बी डेवलप एंड एनकरेज देन पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, बराबर। तो ये बात भी जो है एक सही दिशा में चली जाए तो इससे भी जो है हमारी गरीबाई दूर हो सकती है। अब थर्ड पार्ट इसमें जाता है डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप किन लोगों को ले सकते हो भाई? के जो वेजिटेबल बेचने वाले यानी वेजिटेबल वेंडर है, फिर मेसन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी जो
ये अपने कड़िया मजदूर है, बराबर। फिर एग्रीकल्चर लेबर यानी जो खेत में काम करने वाले मजदूर है वो, बराबर। तो इन सबको लेकर गवर्नमेंट इनके बारे में सोचे। देखो ये लोग जो है रोज मोस्टली जो है एक दिन के पैसे कमाते, बराबर। यानी रोज की जो धाड़की जो बोलते हम कि इनके पास डेली पैसा आता है, इनके पास पैसा पड़ा हुआ नहीं रहता है। तो ये जो है इनके लिए अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। तो हमारी गवर्नमेंट जो है इनके लिए एक सही प्लान बनाए, बराबर। कैसा प्लान कि इनको लाइफ इंश्योरेंस ले, लाइफ इंश्योरेंस दे, या इनके हेल्थ के बारे में कुछ अच्छा सोचे, या इनका ओल्ड एज पेंशन प्लान रखे। तो इस चीज़ से भी जो है हमारी गरीबी जो है वो जनरली दूर हो सकती है। और फिर देखो छोटे जो फार्मर्स है उनके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अब छोटे फार्मर्स हैं उनके पास ज़मीन भी छोटी रहेगी तो अनाज भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उनको भी जो है इतना मुनाफा नहीं मिलता है। तो उनको इरिगेशन कैनाल की फैसिलिटी दे, फिर लोन की फैसिलिटी दे। तो ये सब चीज़ करने से भी क्या है कि हमारे देश में पॉवर्टी कम हो सकती है। यानी जो रोज के पैसे कमाने वाले लोग हैं, बराबर, उनके बारे में हमारी गवर्नमेंट सोचे तो ये जो है वो सबसे अच्छी बात होगी गरीबी कम करने के लिए। जो पैसे वाला इंसान है वो तो अपना फ्यूचर सेफ रखेगा, पर ये लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम जो है वो धाड़की पे यानी डेली डेली पे जाते कि 500 रुपया दिन, 600 रुपया दिन। तो ये जो है अपना फ्यूचर सेफ नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए हमारी गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाए तो वो सबसे अच्छी बात होगी। फिर फोर्थ पॉइंट जाता है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। तो इसमें भी जो है हमारी गवर्नमेंट बराबर एकदम सही से प्लान बना दे कि भाई इतने इनकम वाले जो है इतना टैक्स भरेंगे, इतने परसेंट टैक्स देना है। फिर मिडिल क्लास वालों का जो जिनकी इनकम 10 लाख रुपए के अंदर आती तो वो इतना टैक्स भरेंगे, और उससे भी ज़्यादा जो पुअर में आ रहे तो उसका टैक्स सिस्टम इतना है। तो ये चीज़ जो है वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात होगी हमारी पॉवर्टी हटाने के लिए, बराबर। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ द गवर्नमेंट मेक सच अ पॉलिसी वेर इन मोर टैक्स इज इम्पोज ऑन द रिच क्लास एंड लेस टैक्स ऑन पुअर क्लास, देन गवर्नमेंट मेक एक्सपेंस ऑन वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स फॉर द पुअर पीपल, बराबर। तो जो गवर्नमेंट जो है वो पुअर पीपल के लिए बराबर प्रोग्राम अच्छे से बना सकती है ना। एज अ रिजल्ट कंडीशन ऑफ द पुअर आर इम्प्रूवड, तो इससे जो है पुअर की दशा जो है वो सुधर जाएगी। तो ये चीज़ जो है हमारी गवर्नमेंट सोचे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद सिक्स पॉइंट आता है राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन में या कौन सा व्यक्ति किस चीज़ में एक्सपर्ट है उसमें जो है अपना फोर्स डाले, तो इस चीज़ से भी जो है वो गरीबी का नाश होगा। जो विकसित देश है यानी जो डेवलप्ड देश है उसमें यही चीज़ होती है कि एक तो सबको एजुकेशन दिया जाता है, एजुकेशन मिलेगा तो इंसान जो है वो अपने आप सोचेगा कि उसे अपनी लाइफ के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे वहाँ सबसे मेन चीज़ तो यही आ जाती है कि भाई एजुकेशन नहीं है, बराबर। और दूसरी चीज़ आ जाती है पॉपुलेशन। इन दो चीज़ों की वजह से जो है हमारी इंडिया पीछे पड़ती है, वरना सोर्स हमारे पास भी इतने ही है, पर ये दो जो चीज़ है वो हमारे लिए मुश्किलें लाती है, एक तो पॉपुलेशन और एक तो इलिटरेसी। तो ये दो चीज़ जो है हमारी गवर्नमेंट सोचे, और एजुकेशन के बारे में तो वो जितना सोचे उतना हमारे लिए अच्छा है कि एजुकेटेड इंसान जो होता है उसकी सोचने की क्षमता एक अनपढ़ इंसान से ज़्यादा होती है। तो जब इंसान पढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा, बराबर। तो ये चीज़ भी एक जो है हमारी गवर्नमेंट सोचे तो इससे भी हमारी पॉवर्टी कम हो सकती है। फिर इसमें सिक्स पॉइंट बन रहा है गुड्स एंड सर्विस एट रिजनेबल रेट। तो देखो आपको मैं बता दूँ ये हमारी गवर्नमेंट ने चलाया ही हुआ है हमको, यानी जो पुअर्स है बराबर, जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने सस्ते अनाज की दुकान और सब खोला हुआ ही है, बराबर। तो यानी ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा कि देखो जो पुअर इंसान है उसको अनाज सस्ते में मिलेगा, यानी उसको 2 टाइम अच्छे से खाने मिलेगा, और एक स्वस्थ इंसान जो है
वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अपने फ़ायदे दे सकता है। तो यानी बेसिक चीज़ देखो, आपको जब भी गरीबी हटाना हो किसी भी देश में से, बराबर, तो आपको सबसे पहले तो एजुकेशन देना पड़ता है, फिर अच्छा फूड देना पड़ता है, फिर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ती है, बराबर। तो ये सब, ये यानी ये सारी चीज़ें जब आप प्रोवाइड करोगे तो अपने आप जो है आपका देश आगे बढ़ेगा। तो ये 6 पॉइंट पड़े, अब इसके बाद 7 पॉइंट आएगा और 7 पॉइंट जो है वो अगेन डिवाइड होता है, बराबर। तो अब हम 7 पॉइंट पढ़ेंगे। फिर 7 प्रोग्राम आता है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। देखो अब जो है हमारे गवर्नमेंट ने गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो उसमें से सबसे पहले आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, है ना। तो अब देख लो, ये आपको मैं टेक्स्ट बुक में बता देती हूँ। ड्यूरिंग द 6-5 ईयर प्लान वेरियस एजेंसी स्टार्ट डिफरेंट प्रोग्राम फॉर रूरल एरिया, है ना। तो बहुत सारी एजेंसी ने जो है रूरल एरिया में पॉवर्टी हटाने के लिए बहुत सारे प्लान शुरू करे, बराबर। तो वो प्लान जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, और ये सारे प्लान जो है मर्ज हुए थे 1980 में, 2 अक्टूबर 1980 में ये मर्ज हुए थे। यानी इन प्लान के अंदर जो है वो सभी को फ़ायदे मिल रहे, पर अफसोस कि ये इन प्लान के बारे में अभी भी जो है रूरल एरिया के लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए जो वो है इनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। बाकी हमारे गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए बहुत सारे प्लान शुरू करे हुए, बराबर। और देखो फिर एक ये है सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी चलाई है ना। तो अंडर दिस स्कीम इन रूरल एरिया, अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल ट्रेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप वेर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी लोन फैसिलिटी, मार्केट फॉर फाइनल गुड्स टू रूरल पुअर्स, बराबर। तो ये सारी योजनाएं जो है उसके अंदर जो है ये रूरल पुअर को सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, बराबर। तो ये जो सारी योजनाएं चलाई है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनके शॉर्ट फॉर्म है, बराबर। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, यदि एग्ज़ाम में आता है ये चीज़ तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ आपको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म के साथ पूरा लिखना पड़ेगा कि भाई इसका फुल फॉर्म ये है ना। तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगी और ये प्रोग्राम्स जो है आपको लर्न करना पड़ेंगे, बराबर। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और स्कीम, बराबर। तो अब इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम यानी ये गरीबी हटाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है, बराबर। अब इसमें क्या है, इन द वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम फोकस वॉज ओनली धोज पुअर हु डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम देन फिजिकल लेबर, बराबर। यानी ये मजदूर वर्ग की बात चल रही है, तो इस पर जो है हमारी गवर्नमेंट ने फोकस करा है ना। और देखो आपको मैं बता दूँ, यानी मजदूर वर्ग यानी वो डेली रुपया कमाने वाला है। अब देखो फ्लड आ जाए या दूसरी कोई ड्राफ्ट आ जाए, ऐसी कुछ दूसरी कुछ भी आपदा आ जाए, तो उसमें जो है ये कहाँ से पैसा लाएगा। तो भाई उस पर फोकस करा है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उनको जो है एटलीस्ट उनके जीवन जरूरियात की सारी चीज़ें मिल जाए, बराबर। तो इसके लिए भी जो है हमारे गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है। तो कौन सी है, जवाहर रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम, बराबर ना। तो ये सारी जो है उन्होंने बनाई है। दूसरी बनाई है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, और ऐसी बहुत सारी दूसरी योजनाएं बनाई हुई है। फिर थर्ड आ जाती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, बराबर। तो ये सब जो है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में चले जाएंगे। और इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट ने इसी बात पे ध्यान दिया है कि जो जो पुअर्स यानी जो रोज का रोज पैसा कमाने वाले हैं उनकी प्रगति कैसे हो और उनको कैसे उनकी सारी चीज़ें यानी नीड की जो है बेसिक नीड जो है हमारी वो कैसे मिले, बराबर। तो ये सारी योजनाएं जो है हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है। अब इसके बाद हमको जाना है हाउसिंग स्कीम पर, हाउसिंग स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड जनधन योजना के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब जो है हाउसिंग स्कीम पे जाते हैं। तो देखो आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है अभी भी विलेज में ही बसता है, और जो हमारे ये अपने शहरी विस्तार में भी रहते हैं मजदूर, पर उनके पास पैसा नहीं तो उनके लिए जो रहने के लिए वो अच्छी सुविधाएं नहीं है, बराबर।
तो वो जैसे तैसे काम चलाओ मकान में रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मजदूर है वो टेंट में भी रहते हैं, तो उनको अच्छी घर देना यानी वो जो है उसकी योजना, उसे हम हाउसिंग स्कीम बोलेंगे। तो ये जो है हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है, तो इसमें इंदिरा आवास योजना आ रही है, फिर राजीव गांधी योजना आ रही है, फिर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आ रही है। तो ये सारी योजनाएं जो समय समय पे हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, और किन के लिए स्टार्ट करी है, तो जो हमारे पुअर्स है उनके लिए स्टार्ट करी है, यानी उनको जो है सारी फैसिलिटी मिले। देखो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ जो प्रोवाइड हो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो ये योजना के अंदर जो है उनके लिए मकान बनाए। और ये जो मकान है उन्हें एकदम सस्ते दाम में मिलते हैं, एकदम सस्ते भाव में ये मकान उन्हें मिलते हैं, बराबर। फिर है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी आ जाता है भाई। तो इसमें जो है इसमें पेंशन योजना चलाई है ना, फिर ये देखो डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो अटल अटल पेंशन स्कीम चलाई है ना, जिसमें जो है पेंशन मिलती है। फिर दूसरा जो है उनको ये बीमा बीमा योजना चालू करी है। तो ऐसे ऐसा सब जो है हमारी गवर्नमेंट ने शुरू करा है हमारे पुअर्सों के लिए, बराबर। फिर जो है आता है जनधन योजना, बराबर। तो जनधन योजना में क्या है भाई, कि जो गरीब जो है उनको उनका जो पैसा है उन्हें यानी मिले, बराबर। जनधन योजना थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूशंस। तो अब लास्ट जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, बराबर। तो इसमें क्या है कि गरीबों को जो है उसका पैसा मिले। इसका मेन फीचर क्या है, द मेन फीचर ऑफ द स्कीम इज़ दैट द बैंक अकाउंट इज़ ओपन विद ज़ीरो बैलेंस, है ना। यानी आप बिना एक भी पैसा जमा कराए जो है अपना अकाउंट खोल सकते हो। एंड आफ्टर 5 मंथ ऑफ ओपनिंग अकाउंट एंड ओवर ड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 5,000 इज़ अवेलेबल, है ना। अंडर दिस स्कीम दोज हु ओपन अकाउंट बिफोर 26 जनवरी 2015 हैज़ ऑल्सो बेनिफिट विथ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जिन्होंने 26 जनवरी 2015 से पहले खोली थी तो उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिली है, बराबर। तो ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना है, यानी इसमें जो है आप जीरो बैलेंस से भी जो है अकाउंट खुलवा सकते हो, बराबर। नॉर्मली जो है हमको अकाउंट में पैसे जमा कराने पड़ते हैं, पर ये जो पुअर्स है उनके लिए जो है हमारे गवर्नमेंट ने शुरू करा है, तो वो बिना एक पैसे जमा कराए जो है अपना अकाउंट खुलवा सकती है, बराबर। तो ये जो है आपका लेसन फिनिश हुआ, पुवर्टी पुवर्टी इज़ फिनिश। तो ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया। तो हमने इस टॉपिक में देख लिया भाई के कौन कौन से जो है क्या हम करें तो हमारी जो है हमारी गरीबी हमारे देश में से दूर हो सकती है। तो मेनली तो मैं आपको यही बता दूं कि पॉवर्टी दूर करने के लिए एजुकेशन और कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन, दो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो चीज़ हो जाएगी तो हमारा देश जो है वो अपने आप आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये जो है मेजर ऑफ रिड्यूस पॉवर्टी कंप्लीट हो गया, बराबर। हाँ देखो, तो ये लेसन हमारा फिनिश। अब हमको लेसन नंबर 6 चालू करना है, अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर। वो भी पॉवर्टी से रिलेटेड ही है। तो लेसन नंबर 5 पूरा, अब इसके बाद जो हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।